विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। नीतीश कुमार सबसे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। नीतीश और राहुल के बीच मुलाकात के दौरान 2024 में पीएम मोदी को घेरने को लेकर रणनीति पर चर्चा भी हुई। साथ ही समान विचारधारा के दलों के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति बनी। मुलाकात के दौरान नीतीश ने राहुल गांधी को बिहार सरकार का समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा। साथ ही नीतीश और राहुल के समान विचारधारा के दलों को साथ लाने और मजबूत विकल्प खड़ा करने की संभावना पर चर्चा की। नीतीश ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें, दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनका पीएम पद पर दावेदारी करने का कोई इरादा नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश विपक्ष को एकजुट करने की है। विपक्ष जब एकजुट होगा तभी हम भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे। अगर सभी विपक्ष एक साथ हो जाएं तो चुनाव में बीजेपी के सीटों की संख्या कम होगी। विपक्ष के साथ आने वाले 2024 का माहौल भी अच्छा होगा। वहीं दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। 2024 के लिए दिल्ली में विपक्षी दलों को एकजुट करना है। इन सब मुद्दों को लेकर लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई है। उन्होंने लालू से बताया था कि दिल्ली में उनकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास करें, उससे इशारा साफ लगता है कि 2024 में पीएम मोदी के सामने चुनौती पेश करने के लिए नीतीश कुमार रणनीति बना रहे हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम का फेस हो सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर सभी विपक्षी दल एक हो पाएंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे के परस्पर विरोधी भी हैं। और यही कारण कि विपक्षी एकता मजबूत नहीं हो पा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रयास करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास तो किया था, लेकिन तब उनको भी सफलता नहीं मिली थी। अब नीतीश कुमार का विपक्षी एकता को मजबूत कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार अभी अपना पत्ता भी नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं और खासकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं, वो इस बात को साफ संकेत है कि नीतीश कुमार कोई बड़ी योजना बना तो जरूर रहे हैं। हालांकि आज नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात तो की है, लेकिन इस मुलाकात में नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हुई है, इसकी ज्यादा जानकारी नीतीश कुमार ने नहीं दी है। बल्कि नीतीश कुमार ने काफी कुछ कहने से अपने आप को रोके ही रखा। यानी कुल मिलाकर के यह कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच में कोई रणनीति बन भी रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके साथ कांग्रेस नहीं आना चाहती, और कई विपक्षी दल के नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर के काम नहीं करना चाहते। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐसी विपक्षी पार्टी है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध तो करती है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ मिलकर के काम नहीं कर सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति ही कांग्रेस के विरोध में है। अब ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद दिल्ली तक दौड़ भी लगा रहे हैं, ऐसे में विपक्षी एकता कितनी मजबूत हो पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये प्रयास सिर्फ अकेले नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, बल्कि NCP प्रमुख शरद पवार भी लगातार विपक्ष को मजबूत करने की बात और वकालत दोनों कर रहे हैं। अब देखने लायक बात यह होगी कि नीतीश और पवार के बीच में जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, क्या आगे विपक्षी एकता वास्तव में एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के बीजेपी के खिलाफ कोई रणनीति बना पाता है या नहीं, ये अपने आप में दिलचस्प वाकया है। वीटो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।